Now this is question number 2 of exercise 5.6. Before this, the definitions of different type of triangle is given. According to the sides, if no sides are equal, then it is scalen triangle. If two sides are equal, then it is isosceles triangle. If all three sides are equal, then it is equilateral triangle. And according to the angles, if all three angles are acute, then it is acute angle triangle. If one angle is obtuse, then it is obtuse angle triangle. And if one angle is a right angle, then it is right angle triangle. According to the given description, we will match the following. Three sides of equal length. So three sides of equal length किसमें होती हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल में. सो दिस विल बी मैच्ड टू इक्विलेटरल ट्रायंगल. नाउ टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. सो वी नो दैट कि टू इक्वल साइड्स होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में. सो दिस विल बी मैच्ड विद आइसोसेलेस ट्रायंगल. ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, मतलब सारी की सारी साइड्स जो होंगी अलग अलग लेंथ की होंगी, तो वो होगा स्केलन ट्रायंगल. नाउ थ्री एक्यूट एंगल्स. If three acute angles are there, then this type of triangle is acute angle triangle. This. One right angle. अगर एक right angle हो जाएगा तो वो right angle triangle हो जाएगा. One obtuse angle. If one is obtuse, then it is obtuse angle triangle. Now the last one, the right angle. One right angle with two sides of equal length. तो इसका जो आंसर होगा वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा. मींस स्केलन जो है वो थर्ड पार्ट का आंसर है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ये सेवेंथ पार्ट का आंसर है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल दिस इज ऑफ वी सिक्स पार्ट, राइट एंगल ट्रायंगल दिस इज ऑफ फिफ्थ पार्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिस इज फर्स्ट पार्ट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल फोर्थ पार्ट, एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट इज ऑफ सेकेंड पार्ट. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द सेम एक्सरसाइज. नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल इनटू टू वेज, two different ways, by the observation of angle and by the observation of sides. तो इसमें हमें two ways में लिखना है हर triangle को, sides के according भी और angles के according भी. So in first you can see 5 cm, 5 cm and 8 cm. In first one you can see this is a part कि जो टू साइड्स हैं वो 5 सेंटीमीटर की हैं और वन साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर की. अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तब वो कौन सा ट्रायंगल होता है? दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. इफ टू साइड्स आर इक्वल देन इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. नाउ अकॉर्डिंग टू द एंगल हेयर यू कैन सी ऑल द एंगल्स आर एक्यूट. ये सारे के सारे जो एंगल हैं वो एक्यूट एंगल हैं, तो हम इसको एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल भी लिखेंगे. एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. नाउ इन दिस वे यू कैन डिस्क्राइब क्वेश्चन नंबर 1. इट्स ए पार्ट, नाउ इट्स बी पार्ट. हेयर यू कैन सी वन इज 17, अदर इज 15 एंड अदर इज 8. तो 17, 15 और 8 दिया हुआ है, इसमें तीनों के तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज स्केलन ट्रायंगल. इट इज स्केलन क्योंकि तीनों साइड्स ही आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए स्केलन ट्रायंगल है. और इसमें एक 90 डिग्री एंगल दिया, ये जो साइन होता है ये 90 डिग्री का होता है, और जब एक एंगल 90 डिग्री या राइट एंगल हो जाता है तब वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है. सो दैट्स व्हाई That is right-angled triangle. तो इसलिए ये right-angled triangle भी है.
नाउ सी पार्ट, दिस इज सी पार्ट. नाउ हेयर यू कैन सी टू साइड्स आर गिवन, बोथ आर ऑफ 7 सेंटीमीटर. तो अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है? अभी हमने फर्स्ट वाले में भी बताया, आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, टू साइड्स आर इक्वल एंड यू कैन सी दिस एंगल इज मोर देन 90. ये जो एंगल है ये 90 से ज़्यादा दिया हुआ है. तो 90 से अगर ज़्यादा एंगल होता है दैट इज ऑप्टियूस एंगल. तो वो ट्राइंगल कौन सा हो जाता है? ऑप्टियूस एंगल्ड ट्राइंगल. So here you can see this triangle can be named as isosceles triangle because of two equal sides and obtuse angle triangle because of one obtuse angle. Now here we are doing D part. You can see both 10 centimeters are given, first side 10 centimeters, second side 10 centimeters. That's why it is isosceles triangle. अगर टू साइड्स इक्वल होती हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है. ना हेयर यू कैन सी वन एंगल इज 90 डिग्री, दैट्स वाई इट इज राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है और राइट एंगल ट्राइंगल भी है. Now E part, here you can see all the three sides are equal, 5.2, 5.2, 5.2. That's why it is equilateral triangle. क्योंकि तीनों sides इसकी equal हैं इसलिए हम इसे equilateral triangle कहेंगे. Then all the angles, all three angles are acute. That's why it is acute angled triangle. तीनों के तीनों एंगल एक्यूट हैं इसलिए हम इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी कहेंगे. नाउ एफ पार्ट, हेयर यू कैन सी 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, दैट्स व्हाई इट इज स्केलन ट्रायंगल. एंड दिस एंगल यू कैन सी दिस इज ऑब्ट्यूस, दैट्स व्हाई वी कैन राइट ऑब्ट्यूस angled triangle. So in this way we can name all the triangles according to the side and according to the angles.